त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के आरक्षण सूची पर आई आपत्तियों का गुरुवार को निस्तारण कर दिया गया, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा कि दो दिनों में 1266 आपत्तियों का निस्तारण किया गया है, जिसमें सबसे अधिक आपत्ति ग्राम प्रधान पद के लिए आई थी। सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। 26 मार्च को शासन को सूची प्रेषित कर दी जाएगी और 26 मार्च को ही आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, आपत्तियां मंगाई गई थी, जिले में जो भी प्रॉब्लम थी वो अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते थे। गोरखपुर जनपद में कुल 1200 थी, वो ग्राम प्रधान से संबंधित थी और कुछ आपत्तियां जिला संबंधित थी। इन आपत्तियों का निस्तारण 24 तारीख और 25 तारीख तीन प्रकाशन की सूची तैयार होगी, उस पर भी सभी सदस्यों ने गोरखपुर में 21 तारीख को जो है अनंतिम सूची त्रिस्तरीय पंचायत राज के आरक्षण की व्यवस्था की प्रकाशित की गई थी। उसके बाद अगले दो दिनों तक 22 और 23 को आपत्तियां ने मंगाई गई थी। इस क्रम में कुल 1256 आपत्तियां हमारे जनपद में प्राप्त हुई, जिसमें ज़्यादातर आपत्तियां जो है प्रधान पद के लिए है, कुछ आपत्तियां जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड और बाकी चीज़ों के लिए भी है, पर मुख्य जो आपत्तियां हैं वो ग्राम प्रधान पदों के लिए है। इन सभी आपत्तियों का निस्तारण 24 और 25 को किया जा रहा है। कल भी आपत्तियों का निस्तारण किया गया, आज भी आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। आज शाम तक आपत्ति का निस्तारण करा करके अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। सारे कमेटी के मेंबर्स के द्वारा आपत्ति पर साइन कराया जाएगा, उसके अलावा जो अंतिम प्रकाशन की सूची है उसको साइन करा करके कल सुबह तक इसे निर्देशालय कल दोपहर तक भेज दिया जाएगा। तो कब जारी किया जाएगा इसे? कल अंतिम सूची को कल जारी कर दे रहे, कल चस्पा कर दिया जाएगा और सभी आपसे मीडिया ग्रुप से भी शेयर, मीडिया के बंधुओं से भी इसे शेयर कर दिया जाएगा।